वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे मिलिए आप लोग। ये ना मेरे हस्बैंड की चच्चा की लड़की है। क्या नाम है? अलीशा। तो आज मैं इनका मेकअप करने वाली हूँ, तो देखते हैं मैं कैसा मेकअप करती हूँ, क्योंकि इसे ना अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है। ऐसी तो ऐसी मैं लाइट सा मेकअप करूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी क्योंकि ये छोटी है। चलो बैठ जाओ। सो गाइस, ये भी ब्लॉग टाइप का ही है लेकिन फिर भी मैं मेकअप करूँगी इसमें, तो ये है। चलो बैठ जा। सॉरी गाइस, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज बगल में या बाहर डीजे बज रहे थे जिससे कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये है बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लड़की अलीशा। तो जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया है, और सबसे पहले यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ क्योंकि इसको धूप में जाना है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने जा रही है तो मैं इसका मेकअप कर रही हूँ, ये मेकअप नहीं करती है मैं बता दूँ। तो कॉन्टेंट के लिए इसने खुद ही बोला था कि मेरा मेकअप कर दो ऐसे लाइट सा करना ताकि मैं जा भी पाऊँ ऐसे, क्योंकि वो मेकअप नहीं करती है मैं बता दूँ। ऐसे कहीं शादी वगैरह में ही उनकी मम्मा कर देती हैं थोड़ा बहुत मेकअप, तो क्योंकि अभी बहुत छोटी है ना गाइस। लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि वीडियो भी शूट हो जाएगी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ, ये NYV का, एकदम लाइट सा मेकअप करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन लगाई और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये कंसीलर स्टिक कहते हैं इसको, तो ये लगाया। तो गाइस यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ड्राइंग करते ना बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ऐसे देखो आप लोग जैसे ऐसे मैं कर रही हूँ। और गाइस मुझे ना किसी को तैयार करना, मेकअप करना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे ब्राइडल मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, सच बताऊँ तो इतना कि मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे मैं कभी कभी ऐसे करने की कोशिश करती हूँ खुद पे ऐसे, इसीलिए मैं वीडियो वगैरह पहले बनाती थी मेकअप की, और बाकी अब तो मैंने ऐसे छोड़ दिए। और देखो ना मुझे कितना मज़ा, सबसे ज़्यादा मज़ा पता है मुझे किस में आता है जी, ये जो फाउंडेशन को हम ब्लेंड करते हैं या कंसीलर को, तो ये ब्यूटी ब्लेंडर से जब हम ब्लेंड करते हैं ना, इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, भले ही दूसरों को करो या अपने तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे थपाड़े मार रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, तो ऐसा नहीं है। ये क्या हुआ कि वीडियो थोड़ी फास्ट मोशन में कर दी थी मैंने, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत प्यार से कर रही थी बाकी तो। और बहुत ही कम लेंथ की वीडियो है, तो गाइस कोशिश करिएगा कि बिना स्किप किए देखें। वैसे तो कोई नहीं देखता पूरी वीडियो, आई नो, लेकिन कुछ लोग देखते हैं जो मुझे दिल से प्यार करते हैं। और आई नो कॉन्टोर इतनी सी बच्ची को, लेकिन थोड़ा मेरा मन हो रहा था कॉन्टोर करने का, वरना मैं नहीं करती। कॉन्टोर करना मुझे बहुत पसंद है, भले ही किसी को भी करूं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐसे किया, तो ये कह रही थी ये क्या कर दिया, मतलब क्योंकि वो ब्लेंड हो जाता है ना बाद में तो ठीक लगता है। यहाँ पे मैंने मामाअर्थ की लिपस्टिक से ही यहाँ पे ब्लश लगाया, और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि देखो तुम बिल्कुल बिल्ली जैसी लग रही हो। और यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट करी, वैसे ब्लेंडिंग में काफ़ी टाइम लगता है गाइस, फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो अब तो और मज़ा आएगा। इसलिए नहीं कि मेरा वैसे यहाँ पे, मतलब हम मुस्लिम हैं ना, तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मतलब कुछ भी त्यौहार मना नहीं पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे नहीं मनाते हैं हम लोग। तो मतलब वैसे दिवाली तो मैं सेलिब्रेट करती ही हूँ भले ही कुछ नहीं करूँ, होली और दिवाली मैं ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ। तो देखते हैं दिवाली पे मैं शायद झांसी जाऊँ, क्योंकि ऐसे में यहाँ पे मेरी दिवाली अच्छी जाती नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिवाली कोई मनाता नहीं है इसलिए। और यहाँ पे मैंने ब्लश को भी ब्लेंड कर दिया है और ऐसे कॉन्टोर को भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, और काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई है फेस की। तो यहाँ पे अब मैं कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ, और ये ना हिलारी रोडा का कॉम्पैक्ट पाउडर है। और गाइस चच्ची के बच्चे भी थे यहाँ पे, तो वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फेस पे कॉम्पैक्ट लगाया, उसके बाद यहाँ पे सेट कर दिया अंडर आई पे सब जगह। वैसे ना इतने अच्छे से मेकअप हो नहीं पाया क्योंकि मेरा फोकस कैमरे की तरफ ज़्यादा था, लेकिन ठीक है, ठीक ही ठाक हुआ था क्योंकि बहुत ही लाइट सा ही करना था मुझे वैसे भी,
तो लाइट ही हुआ था। और यहाँ पे अच्छे से मैंने कॉम्पैक्ट लगा दिया है, और अब मैं थोड़ा सा मेरा मन हो रहा था कि मैं हाईलाइटर लगाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि रहने दो, दिन का टाइम है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लगा देते हैं क्योंकि मेरा मन हो रहा था। और ऐसे मन से कर कर के थोड़ा सा हैवी मेकअप हो गया था लास्ट में, लेकिन फिर मैंने सब कुछ सेट कर दिया था अच्छे से। और यहाँ पे वो बोल रही थी एक आई शेडो भी लगा दो आई मेकअप, ऐसे मैं करती नहीं, लेकिन उसने सोचा कि करवा लेते हैं आई मेकअप। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक शेड लगा रही हूँ, बल्कि बहुत ही हल्का सा शेड है ये ब्राउन टाइप में, तो सिर्फ एक ही शेड में लगा रही हूँ क्योंकि हैवी हो जाएगा फिर आई मेकअप अगर कर दिया ओवर। तो अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि खुद तो कैमरे के सामने ऐसे ही आ गई, मतलब मैंने ना ऐसे ही आ जाती हूँ मैं कैमरे के सामने, मैं मतलब ऐसे मैं नहीं शर्माती क्योंकि ये बहुत ही रियल चीज़ मैं दिखाती हूँ कि मैं ओवर ऐसे नहीं आती हूँ कैमरे के सामने, कभी ऐसी आ जाती हूँ जैसे, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो ऐसे मैं रोज़ रोज़ सज धज के नहीं आ सकती सबके सामने। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया, हाइलाइटर लगा लिया, तो काफ़ी अच्छा फेस हो गया था हाइलाइटर, मतलब हाइलाइटर से ऐसे चमक आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये एकदम फाइन से मतलब बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। और यहाँ पे फाइनली अब मैं वाइट काजल लगा लूँ क्योंकि वाइट काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे वाइट काजल नहीं सॉरी आईलाइनर लगा रही हूँ, उसके बाद मैं वाइट काजल लगाऊंगी। आईलाइनर मुझसे इतने अच्छे से लगता नहीं है, लेकिन तब भी मैंने लगा दिया। और यहाँ पे मैं बार बार उसको आईना दिखा रही हूँ ताकि उसे समझ में आए कि ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो बता दे कि मैं ठीक कर दूँ ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो कहीं पर भी बाहर जाने में। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही पतला सा आईलाइनर लगाया है। वैसे मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर नहीं करती क्योंकि बहुत सी बातें हुई हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में जो नॉइज़ होती है, हा हा, मतलब आप लोग सुनोगे ना तो इरिटेट हो जाओगे, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी आवाज़ें आ रही थी, मतलब हवा की ऐसे, क्योंकि माइक होता तो ठीक था लेकिन बिना माइक के फ़ोन में पूरी चीज़ें पूरी नॉइज़ इतनी ख़तरनाक आती है, तो ऐसे हटाना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने वाइट काजल लगा दिया, और अब बारी है मस्कारा की। तो भाई मस्कारा में तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्योंकि मैं दूसरे के नहीं लगा पाती हूँ मस्कारा, लेकिन ठीक है मैंने लगा दिया जैसे तैसे, तो यहाँ पे मस्कारा अच्छे से लग गया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मस्कारा ऐसे हिल गया तो पूरा काला काला हो जाता है फेस इसलिए। और यहाँ पे मस्कारा के बाद यहाँ पे मैंने आईना दिखाया इसको, और आईना देखने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि लिपस्टिक क्या लगाऊँ, तो मैंने ना उसको इतने सारे ऑप्शन दिए थे कि जौन सी भी तुम्हें लगवाना हो तो लगवा लो, क्योंकि मैं तो ब्राउन लिपस्टिक ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन ठीक है उसने ये पिंक वाली चुन ली थी, पिंक थी शायद, ये कौन सी है, रेड है ये शायद, हाँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रेड लगाई। उसके बाद उसने बोला था कि मिक्स कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे वैसे मुझे लिपस्टिक जो है मिक्सअप करके लगाना बहुत अच्छा लगता है। और इल्मा कह रही थी, इल्मा आई थी वैसे, तो उसे ना रेडी करना बहुत पसंद है, तो मतलब जैसे कि पहले मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी तो उसने मेरा मेकअप किया था, यहाँ पर वही है जो लिपस्टिक लगा रही है, तो क्योंकि फेस नहीं दिखा सकती इसलिए थोड़ा सा ना मैंने कैमरे को उस तरफ कर दिया था। लिपस्टिक लगाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ना पूरा मेकअप करना ही पसंद है, ब्लश हाईलाइट हर चीज़ लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे ना उसके बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि वीडियो कब अपलोड करोगी, वीडियो कब अपलोड करोगी, तो मैंने उसको कह दिया अभी एडिटिंग चल रही है, रुक जाओ थोड़ा सब्र करो, मैं 2 बजे तक ही वीडियो डालती हूँ वैसे अपने चैनल पे, तो 2 बजे वीडियो आ जाएगी, तो मैंने बोला तो बार बार बोल रही है। तो गाइस ये है फाइनल लुक, इल्मा ने लिपस्टिक लगाई, बाकी सारा मैंने किया बहुत ही सिंपल सा। ओके गाइस, तो मैं उससे पूछ रही थी कैसा लग रहा है, अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल। और ये आपकी कुछ प्यारे प्यारे कॉमेंट्स, तो इसको पढ़ते हुए जाना, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।